ना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस अच्छी घटना है, शुरू होती है चंडीगढ़ से, लेकिन बात कर रहा हूँ 7 जून 2024 को संसद भवन के अंदर एनडीए की संसदीय दल की एक बैठक होनी थी और बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले की बैठक शुरू होती, बैठक से पहले ही एनडीए के द्वारा चुने गए जितने भी लोकसभा प्रत्याशी होते हैं सबको सूचना दी जाती है कि आपको संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर में शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। अब जहां जहां से भी सांसद होते हैं पूरे इंडिया के अंदर से, वहां वहां से शामिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद, जिनका नाम होता है कंगना रनौत, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी होती हैं, मंडी से चंडीगढ़ पहुंचती हैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर जब भी कोई हवाई जहाज से सफर करता है तो कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उनकी जो तलाशी ली जाती है, उनके सामान की भी चेकिंग होती है। तो कंगना रनौत के भी सामान की चेकिंग हो रही थी, उनकी भी तलाशी का नंबर आता है, तो पहले केबिन से निकल जाती है, दूसरे केबिन पहुंचती है, तो वहां पर CISF की एक महिला कांस्टेबल होती है, महिला कांस्टेबल से उनका आमना सामना होता है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जैसे चेकिंग के दौरान ही करते हैं। तो इसी बीच में दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां दूर दूर तक, यानी कह सकते हैं 10-15 फुट तक कोई आदमी नहीं होता है, इसलिए वो जितने हिसाब से बोल रही थी शायद किसी ने उन आवाजों को सुना नहीं। लेकिन इसी बीच में उस महिला कांस्टेबल जो कि CISF से होती हैं, इतना गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर जड़ देती है। और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है तो कंगना रनौत के साथ एक टीम होती है, उनकी भी अपनी सुरक्षा होती है, साथ ही एयरपोर्ट पे जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो भी। अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और जैसे ही हड़कंप मचता है तो हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये CISF की महिला कांस्टेबल ने फिल्म की हीरोइन यानी कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा क्यों। अभी ये दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा और शाम होते होते दो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी, बहुत सारे सवाल थे, हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल होती है उनका साल 2009 में CISF के लिए चयन होता है और उनका जो कार्यकाल था बड़ा ही शानदार तरीके से चल रहा था, उनके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से वो सुर्खियों में जाती हैं और सुर्खियों में आने की वजह थी कि उन्होंने एक हीरोइन को, एक बीजेपी की सांसद को जो थप्पड़ मार दिया था। दरअसल उनकी शादी भी CISF के एक कांस्टेबल से होती है और उसी चंडीगढ़ के जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। दो बच्चे भी होते हैं इनके। दरअसल ये पंजाब के जो जिला कपूरथला है वहां का ही एक गांव लगता है सुल्तानपुर लोधी, वहां की ये रहने वाली होती है और यही चेकिंग कर रही थी। लेकिन इन्हें क्यों मारा जाता है हर कोई जानना चाहता था। दरअसल इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगभग 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे, तो संबोधित करने के दौरान महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वो फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत के ऊपर इसलिए फोकस भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा था कि कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया गया है। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल दो वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, एक कुलविंदर कौर का और दूसरा वीडियो कंगना रनौत का। कुलविंदर कौर वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रही है कि उसने बयान दिया था 100-100 रुपए लेकर बैठती है वहां, ये बैठी थी वहां या मेरी माँ बैठी थी, इतना ये बोलते हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है कुलविंदर कौर का बयान। इसी बीच में दूसरा एक वीडियो और वायरल होता है। दरअसल उस वीडियो को खुद कंगना रनौत ने बनाया था। वो कहती है कि मैं तो सुरक्षित हूँ लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है, इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था। अब ये लड़ाई अभी तक तो महिला कांस्टेबल से थी लेकिन अब ये लड़ाई इनकी पूरे पंजाब से शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू हो जाती है तो हर कोई इस मामले में अब कूदने लगता है, पक्ष हो विपक्ष हो ये सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर देते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो कंगना रनौत के ऊपर जो बात आती है, 27 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इन्होंने एक उपहास उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया था। ट्वीट में कहा था कि जो ये शामिल होती हैं ये 100-100 रुपए लेकर आंदोलन में शामिल होने वाली बात उन्होंने कही थी और ये बात कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी अखरी थी। दरअसल उन्होंने एक फोटो का इस्तेमाल किया था और जो फोटो उन्होंने लगाया था
वो एक फोटो था तो था बिल्किस का, बिल्किस वही जिसको टाइम मैगजीन में शामिल किया गया था, और दूसरा फोटो बराबर में लगाया गया था मोहिंदर कौर का। और इन्होंने इस तरह से कुछ दावा किया था कि ये वही सो प्रभावशाली महिला जो मैं शामिल होने वाली बिल्किस है, ये उसी का फोटो है। दरअसल जो मोहिंदर कौर का फोटो होता है वो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, किसान यूनियन का झंडा पकड़े हुआ था, और झंडा पकड़े हुआ था तो उसी फोटो को बिल्किस वानों से अटैच करते हुए जब ये डाला गया तो इस पे उन्होंने कमेंट कुछ कर दिया, और कमेंट दोनों महिलाओं को शायद इनसे गलती हुई थी, धोखा हुआ जैसे भी हुआ था, उन्होंने जो दोनों का फोटो एक साथ और किसानों के मजाक बनाते हुए यहां तक आरोप लगा दिया कि 100-100 रुपए लेकर ये महिलाएं इस तरह के धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं। अब जब चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगा तब कहीं ना कहीं ये गुस्से वाली बात तो थी। इसी गुस्से को 4 साल से कुलविंदर कौर अपने मन में, अपने दिलों और दिमाग में भरे बैठी थी, और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि कंगना रनौत 4 साल के बाद उनके सामने पड़ जाएंगी, वो भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर। और दरअसल कुलविंदर कौर का ये दावा था, उनका ये कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें उसकी माँ भी शामिल थी, और उसकी माँ ने तो किसी से 100 रुपए नहीं लिए थे, लेकिन तुम मेरी माँ को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो, इसी बात को लेकर गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था शायद जल्दबाजी में कर दिया था, उन्होंने बिल्किस को और मोहिंदर कौर को एक साथ मर्ज करते हुए कि ये 100-100 रुपए में इस तरह से आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए शायद उस तरह की बातें भी कही थी, लेकिन तब तक कहते हैं कि जब तीर हाथ से निकल जाता है तो वो फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आता, और इससे मामला आगे बढ़ जाता है। अब थप्पड़ लगा, थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है, हर कोई अब इस मामले में जानना चाहता था कि आखिरकार होगा क्या। जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच भी शुरू कर दी जाती है, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा था कि 7 जून 2024 तक दोपहर 3 बजे के आसपास तक कंगना रनौत की तरफ से कोई FIR वगैरह दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुट जाते हैं। एक तरफ तो ये मामला जब हाईलाइट लगातार हो रहा है, तब अलग अलग संगठन जो खासकर किसान संगठन होते हैं, जैसे क्या किसान नेता राकेश टिकैत, इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता रहा है, कोई भी जवानों के ऊपर किसानों के ऊपर कुछ भी बोल जाएगा तो इसे जो व्यक्तिगत उनके लोग जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग किसान हैं या परिवार के लोग फौज में हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इसे महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया, और इस मामले की जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसा ना हो जो भी विभागीय कार्रवाई है, जो उसने गलती की सिर्फ उसी की सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू उन्होंने भी समर्थन कर दिया, और समर्थन करते हुए कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगवीर सिंह घोसला भी यही इस तरह की घोषणा कर देते हैं। एक हर सिमरत कौर बादल उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि कंगना रनौत ने किस तरह से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया है, इससे क्या मतलब है। अब जैसे जैसे ये बयान वायरल हो रहा था वैसे वैसे पंजाब के लोगों में उबाल फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं रनौत के साथ हुआ तो गलत ही है, इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारा गया है नहीं मारा गया है इसका ना तो कभी अभी तक ऑफिशियल बयान सामने आया है, ना ही कोई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें ये दिख सके कि जो लड़की है कुलविंदर कौर, जो महिला कांस्टेबल है CISF की, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है नहीं मारा है। हालांकि CISF अपने लेवल से जांच कर रही है, CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं ये भी डर बना हुआ है कि कुलविंदर कौर को कहीं बर्खास्त न कर दी जाए। इसलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, किसान नेता हैं, वो सबके सामने आने वाले हैं, और आने के बाद उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या कुछ इसके खिलाफ एनीथिंग कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये कहानी अलग अलग रूप में चलने लगती है तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने लगते हैं, और जब ये देखने लगते हैं तो मैंने उनके कुछ कमेंट देखना शुरू किया तो बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग इस महिला कांस्टेबल के पक्ष में खड़े हुए हैं, और 20% लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब कितने पक्ष में खड़े हैं, कितने विपक्ष में खड़े हैं, मामले की जांच पड़ताल होगी, CISF और जो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपने स्तर से जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य घर में छुपा है, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत को एक थप्पड़ पड़ता है या फिर उसकी बात सामने आती है, उस हिसाब से उनके जो चेहरे पर उनकी गाल पर जो निशान है, शायद इस निशान को, इस बात को, इस थप्पड़ को, इस थप्पड़ की गूंज को कभी भी वो भुला सकें।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। 4 साल पहले कही हुई बात कंगना रनौत की, एक महिला कांस्टेबल को इतना गुस्सा आता है और उसने उसका 4 साल के बाद बदला लिया। जाते जाते आज राहुल लबाना है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नरेश कुमार उनकी पत्नी पूनम है जो कि अलीगढ़ की रहने वाले हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की जिसमें आमिर हमजा है, तुलाराम बोहरा, कुंदन तिवारी, अजय कुमार, उनकी पत्नी नीतू, बेटा प्रिंस, लकी, बेटी माहिश जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। असलम खान, सुमन, निरंजन गिरी गाजीपुर से हैं, हसमुल आलम मधेपुरा से हैं, नूर मोहम्मद, योगेश पंडित, हेमचंद, रोशन राय, बाबू लाल मौर्य, नवाब खान, सोनम गौतम, अमर सिंह, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।